जो लोग अपने देश में हो रहे अत्याचारों इत्यादि से तंग आकर दूसरे देश चले जाते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा के साथ बेहतर जीवन जीने का मौका मिले, उनके सम्मान और पहचान के लिए 20 जून को वैश्विक शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर शरणार्थियों के सफलतम ऐतिहासिक प्रबंधन की झलक आपकी सेवा में प्रस्तुत की जाती है, जो कि आज से 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्यवहारिक तौर पर करके दुनिया को दिखाया था। मक्का शहर से जिन लोगों को मदीना शहर जाना पड़ा था, उनके और मदीना के निवासियों के बीच आपने एक ऐतिहासिक भाईचारा स्थापित किया था, यानी एक निवासी और एक शरणार्थी को आपस में भाई घोषित किया। हालांकि एक मदीना के निवासी गरीब ही थे, लेकिन उन्होंने जहां एक ओर अपने भाई की रोटी, कपड़ा, मकान आदि का इंतजाम किया, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद भी की। और इतिहास गवाह है कि कुछ ही सालों में मदीना भर में कोई भी आदमी BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे नहीं बचा, बल्कि सभी निवासी एवं शरणार्थी APL यानी गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। इस्लाम धर्म के मुताबिक गरीबी रेखा क्या हो सकती है, इस बारे में जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। तो रिफ्यूजीज की समस्याओं का समाधान करने के लिए इस्लाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मौजूद हैं। इस संबंध में और अधिक अध्ययन करने के लिए या इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अभी दे अनुमति। धन्यवाद।